नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। लगता है कि बिहार की सियासत को पोस्टर बार बहुत ही सूट कर रहा है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जेडीयू और आरजेडी के तरफ से बार पलटपार जो है वो पोस्टर के जरिए ही किया जा रहा है। एक बार फिर पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर एक पोस्टर लगाई गई है जिसमें लालू यादव पर के शासनकाल पर तंज कसा गया। ये तस्वीरें देखिए, जहाँ पर शीर्षक जो है इस पोस्टर का दिया गया है, लुटता रहा बिहार संपत्ति अर्जन में मस्त परिवार। यानी कि लालू यादव पर ये तंज है और ये कहने की कोशिश है कि लालू यादव के कार्यकाल में लूट रहा था बिहार और संपत्ति अर्जन में मस्त था परिवार, ये कहने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि लालू यादव जो है एक बैग लिए हुए हैं, एक और एक पशु पे बैठे हुए हैं और पशुपालन घोटाला लिखा इस बैग में लिखा गया, ऊपर लिखा गया जो डंडे लिए हुए हैं उस पर तंज कसते हुए कि जमीन घोटाला, होटवार जेल, दवा घोटाला, अलकतरा घोटाला और तमाम चीज़ों का जिक्र है। तो दूसरी साइड भी लालू यादव की ही तस्वीर है और ये बताया जा रहा है कि बिहार उस दौर में लालटेन युग की तरफ था। ये देखिए, लालू यादव खुद लालटेन लिए हुए हैं और अंधेरे से रोशनी की तरफ जा रहे हैं लालटेन के ही सहारे। और एक और मतलब कि वर्डिंग लिखी गई है जो कहा गया है कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है और ये उस समय की बात है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार की सियासत में इन दिनों हर दिन नए पोस्टर जारी होते हैं। परसों आरजेडी के तरफ से पोस्टर जारी किया गया था जिसमें सीएम नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी को दर्शाया गया था और बिहार जो शब्द है उसको चिथड़े उड़ाते हुए दिखाया गया था। उससे पहले भी आरजेडी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया था जिसमें कि जिक्र था लूट एक्सप्रेस और झूठ एक्सप्रेस का। तो कुल मिलाकर कहें तो जेडीयू और आरजेडी के बीच जो वार पलटवार है वो पोस्टर के जरिए ही किया जा रहा है। आरजेडी की तरफ से जो पोस्टर है वो आरजेडी कार्यालय के बाहर और राबड़ी आवास के बाहर लगाया जाता है। तो जेडीयू की तरफ से जो भी पोस्टर होते हैं वो इनकम टैक्स चौराहे पर लगाए जाते हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब दिए जा रहे हैं और सवाल मांगे भी जा रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो नए साल के आगाज़ यानी कि इस पूरे महीने जनवरी के महीने में बिहार की सियासत में पोस्टर बार एक अलग ही रूप में दिखा, पूरे हर दिन दिखा और फिलहाल अभी तक के लिए इतना। अब देखते हैं कि इस जो जेडीयू की तरफ से ये पोस्टर जारी किया, क्या आरजेडी इसके जवाब में एक नया पोस्टर फिर से आरजेडी कार्यालय के बाहर लगाएगी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।